नमस्कार, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं सत्य सनातन यूट्यूब चैनल चलाने वाले अंकुर आर्या जी के बारे में। अंकुर आर्या भाई, मैं आपसे डायरेक्ट ही बात कर लूं तो अंकुर आर्या भाई, आप इतना नफ़रत रखते कहाँ हो, हमें भी बताइए ज़रा। हम भी थोड़ा नफ़रत करना सीख लें, हम भी थोड़ा गुस्सा करना सीख लें। आता नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों, अंकुर आर्या जी ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ये सवालों का जवाब देते देते हुए ये कहते हैं कि असम सरकार के फैसले का विरोध कैसे किया जाए, असम सरकार कैसे हिंदू विरोधी है। इनको हर चीज़ विरोध में ही दिखता है, कुछ भी समर्थन में नहीं दिखता। अंकुर आर्या भाई, आप बताइए कि आप हिंदू बच्चा पैदा करेंगे, 10-10, 12-12, 15-15 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितने बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी लोगे। आज गरीबी इतनी है, आपको इतना पता नहीं है कि भारत के अंदर जो है कि हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, जिसको खाने के लिए अच्छे से नहीं है, भीख मांग रहे हैं रोड पे लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको रेलवे स्टेशन पे बच्चे भीख मांगते दिख जाएंगे। गरीब आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। बताइए आप कितने की मदद करते हैं, कितने हिंदुओं की मदद करते हैं, जिस हिंदू की बात करते हैं। और रही बात असम सरकार की, तो मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करना पड़ेगा कि आप इतने बच्चे पैदा ना करें जिसकी वजह से जनसंख्या का विस्फोट हो। आप उतना ही सोचिए, खुद से सोचिए कि आप कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने बच्चों को आप अच्छे से खिला सकते हैं, अपने अच्छे से घर में रख सकते हैं। आप उतने ही बच्चे पैदा करिए। किसी भाई के या अंकुर आर्या जी के बातों को सुन करके आप उनकी बातों से वो मत होइए, क्योंकि इनको डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ये डराने के लिए ही ऐसा करते हैं। डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है इनके माध्यम से। असम सरकार का फैसला ये है कि जो भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब इस पे बुरा लग रहा है अंकुर आर्या जी को, और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हिंदू विरोधी फैसला है। सोचिए, ये प्रकृति को बचाना है, इस धरती को बचाना है, यहाँ पे कुपोषण से लोग शिकार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रखना है। लेकिन ये भाई का कहना है कि नहीं, ये हिंदू विरोधी है। वो कहते हैं कि ये चोर लुटेरे तरवेज के मैटर को ये लोग लेके चले जाते हैं, इनके बच्चे 15 साल की उम्र में जो है कि पंचर बनाने लगते हैं। तो कितना नफरत पालते हो यार, इतना नफरत छोड़ करके अगर ये प्यार की काम करना शुरू कर देते, आप शिक्षा को प्रचारित करना शुरू। आपके लिए मेरा सुझाव है कि नफरत जो आप पाल रखा है ये बंद कर दीजिए, और आप उन बाबाओं से पूछ लीजिए कितने बच्चा पैदा करते हैं जिन्हें हिंदुत्व की रक्षा की बहुत चिंता रहती है। उन आप खुद ही बताइए कि आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10, 15, 20, 25, आप खुद ही 2-4, 25-50 पैदा कर दीजिए जिसकी वजह से ऐसा हो। मेरे भाई, इनकी बातों पे मत आइए, क्योंकि ये मेरे भाई नफ़रत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। इनको हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। हमारा धर्म खतरे में है, हमारा हिंदुत्व खतरे में है। अरे भाई, खतरे में कुछ नहीं है, खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है। यकीन नहीं आता, क्योंकि देखो दोस्तों, इन्होंने भी एक हफ्ते पहले भी वीडियो एक बनाया था, उसमें इन्होंने तिवारी को लेकर के कहा था कि हिंदुत्व के बहुत पुरोधा हैं ये, तब हमारे लिए भी प्रशंसित हो जाते, तब हमारे लिए भी सम्मानित हो जाते जब ये पुष्पेंद्र यादव की हत्या पर भी सवाल उठाते। जी नहीं, इनके लिए सिर्फ कुछ खास लोग हैं जो कि इनके हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू हैं। आप ये समझने की कोशिश करिए, ये भाई साहब नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं फैलाते, सिर्फ नफरत। इन्हें शिक्षा पे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें देश की बेरोजगारी से, जनता की बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें गलत नीतियों से विरोध कोई मतलब नहीं है, इन्हें देश के अंदर जो पॉल्यूशन फैल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि हवन करने से जो है कि शुद्धिकरण होती है, करिए। अगर हवन से शुद्धिकरण होता तो इतने सालों से आप लोग हवन कर रहे हैं तो क्यों शुद्धिकरण नहीं हुआ? और आपके हवन से अगर शुद्धिकरण हो रहा है तो दिल्ली के जो कंडीशन है वहाँ पे आप हवन करते रहिए और वो शुद्ध हो जाएगा। ये सब अवैज्ञानिक बातें हैं, इनकी अवैज्ञानिक बातों पर आप लोग ध्यान न दीजिए, क्योंकि ये भाई साहब का काम ही है नफरत फैलाना। और आर्या भाई साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना फैलाएँ, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत मासूम है, बहुत भोली है। जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं वो जनता बहुत भोली है, उसे काम से मतलब है। 4-10 बच्चे पैदा करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएगा मेरे भाई। और आपने जो 2-3 बातें पहले कही
कि दिवाली के लिए धनतेरस के बारे में, ठीक है आप अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप करिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप गलत चीज़ को गलत कहने की हिम्मत रखिए। आर्या भाई साहब, आप गलत चीज़ को गलत कहने की हिम्मत रखिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ पॉपुलरिटी चाहिए आपको। हम लोग आपको शेयर कर देते हैं यार, आप पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसे नफ़रत ना फैलाएं। ये नफ़रत जो है, ये नफ़रत का जो बीज बो रहे हैं आज, ये देश को ख़त्म कर देगा। आप खुद ही बता दीजिएगा कि आप कितने बच्चा पैदा किए हुए हैं, 10, 20, 50, 100। आपको तो सरकारी नौकरी भी नहीं चाहिए, तो फिर आप तो 100-150 बच्चे पैदा कर सकते हैं और हिंदुत्व को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये सत्य सनातन वाले भाई साहब तक पहुँचा दीजिएगा वीडियो, जिससे कि उसका ये जवाब दे पाएँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई आप कितने बच्चा पैदा करेंगे। नफ़रत की राजनीति छोड़ो, नफ़रत चीज़ें छोड़ करके प्यार करना सीख लो यार। रही बात हिंदू मुसलमान की, तो आप प्यार करना शुरू कर दो, वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने चूंकि वो सिखाया नहीं, आज जो जहर का बीज है ये फूलता फूलता जा रहा है। आप इसे कब छोड़ेंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि आप इसे छोड़ दीजिए।